राम दिया राम राम भाई। अरे के बात, तू तो यारी साहब फौज में रिटायर होके आया, सारी अन परेशानी में दिखी जा। के बात भाई, बात एक हो तो बताऊं। अरे तड़के तड़के अखबार में नजर मारूं तो बुरा हाल हो जासे भाई। हमारे देश में इतने साधु महात्मा संत फकीर लाइन लाग रही से, लाग रहे प्रवचन पर प्रवचन देने। भाई इन बाब्या ने ऐसा भूत सवार कर रखे है देश पे कि विज्ञान और साइंस लिए तो जाओ बाढ़ में, बद धर्म के पाछे पड़ रहे हैं। अरे एक तो ये ताजा ताजा आया से, क्या का महात्मा 26 साल का छोरा भीरण की बतावा है। अरे बूझ ना ऐसे तो नहीं बूझ लियो ने भाई, ये मारे छोरिया ने खिलाड़ी छोरिया ने दुखी करने लग रही है, लंगोट बांधी है जो मंत्री, ये कद सुधरेंगे रे? न्यू बूझ लो ना, बता दे तो बाबा जी। अरे किसके मन में कैसे यो जान के हम के करांगे? अरे देश की बता दो, क्या मैं हमने क्यों कर हम आगे न बढ़ा। मन राम दिए तो पूछ के लिया, वो तो कतिए पाठ पड़ा। और मन ने तो भाई सारा ही सिस्टम खराब लग गए है। 50 साल हो गए हमने तो जो भी बाढ़ ढंग ढंग का दिखा है, जिसमें भी थोड़ा सा दिमाग तेज लग गए, बस दो ये चीजा के पाछे पड़े रहे भाई। के तो छोरे ने नॉन मेडिकल दवा दे, और के मेडिकल साइंस में तो उसने ठूसा ही ठूसा। बाड़क का के मैं मन हो, पर उसने साइंस दवावांगे। सब तो इंटेलिजेंट बाड़क, कुणबा में कोई हो उसने हम साइंस दवावांगे। के तो भाई डॉक्टर बनावांगे, के बनावांगे इंजीनियर। ठीक से भाई, मेहनती बाड़क बन गए डॉक्टर इंजीनियर। मेरे न्यू समझ में नहीं आती, 5-7 साल पाछे जब ये एक्शन डॉक्टर सीएम और SDO बन जाए से, उस पाछे जो पहले इंटेलिजेंट ना थे, जो बालक साइंस पढ़ने के काबिल ना थे और जो आर्ट्स में थे, वह BA MBA MBA करके और भाई वह IAS और HCS और PCS और RCS लाग जाए, वह फिर इन 30 मार्का जो बालक हमारे साइंस पढ़ रहे थे उनके ऊपर आके कमांड करें, कोई DC लाग जाए, कोई SDM लाग जाए, कोई किम लाग जाए। यह बात मेरे समझ में तो आती ना भाई, जो सारे इंटेलिजेंट था वो तो तड़े, और जो कम इंटेलिजेंट थे वह उनको ऊपर। और बात उड़े उड़े खत्म ना होती, जो BA भी ना कर सके ना और बाज गए 12वीं 13वीं में, तो बीच में छोड़ गए, वह आ जाए फिर इलेक्शन लड़न। कोई पार्षद बन रहा है, कोई जिला परिषद का चेयरमैन बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, और वह फिर घुमाओ हिंडी शिया ने DC घुमाओ हमारे इंटेलिजेंट डॉक्टर इंजीनियर ने, देखो तो किसी उल्टी रीत चल रही है। और जो 12वीं भी ना कर सके थे वह भाई बड़े राजनेता बन जाए, स्कूल छोड़ छोड़ बाज गए, कोई मंत्री बन रहा से, कोई मंत्री तो भी ऊपर बन रहा से, डक्का एक नहीं आया करता। और कमांड करें से चेयरमैना पे भी, DC पे भी, और डॉक्टर इंजीनियर का तो कोई जिक्र है को नहीं। और सुन ले, जिन्हें स्कूल का मुंह माथा नहीं देखा ना, वो बन जाए बाबे, और फिर बाबे बन के मठाधीश बन के, और फिर मारे सारी सरकार के मंत्री नंबर वाइज जाके उड़े चरणा में धूली ले उनकी। अरे देश के बाढ़ में ना जाते और किस जागा, सारे में इंटेलिजेंट थे वो तो सब तड़प पड़े थे, उस तक कम थे वो उसके सिर पर बैठे थे, और जो उससे भी कम थे वो उनके सिर पर बैठे, जो कथी क्या है जो के भी ना थे वो सब के सिर पर बैठे थे, और जो घर भी नहीं बसा सके, कि माना ना जाना ना पढ़ाई ने लिखाई ने संस्कार कुछ भी नहीं था जी, तो रहे वह भाई औरां ने भाषण देने लग रहे हैं। फौजी की बात सुन के मेरा तो दिमाग घूम गया यारी साहेब, भविष्य बतानी है हमारे देश में हंड से, तो बूझ लो ना दो काम की बात है। यह बात मैंने सब तो बढ़िया लागी, पर बेरा नहीं भाई केस है, सारा तो मीडिया, सारे राजनेता और सारी जनता सब के इन साधु महात्मा का पाछा है, जैसे देश में और तो कोई काम रह ना गया। रामदीन ने यह बात बहुत तक नहीं बढ़िया कही, किसी ने ठीक कहा है, जो आदमी एक बार सरहद पर चला जाए ना वो देश के प्रति समर्पित हो जाए, और जिसने कदे सरहद देखी नहीं, जिसके अड़ोस पड़ोस में कोई शहादत हुई नहीं, कोई शहीद नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, वो क्या जाने देश ने। सच में हमें सोचना विचारना चाहिए।